आज के हमारे इस ऑनलाइन क्लास में हम डिस्कस करने जा रहे हैं वीवीएम माइक्रो प्रोग्रामिंग। और वीवीएम माइक्रो प्रोग्रामिंग में एक क्वेश्चन को हम सॉल्व कर रहे हैं। हालांकि क्वेश्चन तो दूसरा है, लेकिन उससे पहले एक नया क्वेश्चन निकल के आ गया है। मेरे पास एक लोकेशन में एक फाइल है, जेपीजी फाइल है 1। मुझे इसको इसकी 100 कॉपी बनानी है। इसी सीट में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 इस तरह से 100 कॉपी बनानी है। फिर 100 कॉपी बनाने के बाद हमें कुछ और करना है, लेकिन फिलहाल पहले क्वेश्चन हमारी है जिसमें हम 100 कॉपीज को बनाएंगे। ओके सर, हम मॉड्यूल्स में आते हैं और मॉड्यूल्स में हम यहाँ पे सब्जेक्ट और हम लेते हैं, यहाँ पे देते हैं कॉपी एफ के नाम से। मैं मार्क बनाता हूँ और यहाँ पे देना है कि 4i = चले 1 to 100। तो 1 तो है तो हम यहाँ 2 to 100 कर देते हैं। माफ कीजिए, मैंने 1000 कर दिया, यहाँ 1000 ही रहने देते। चलिए 1 to 100। और फिर यहाँ पे एक ऑप्शन आता है फाइल कॉपी के नाम से, आप अपने सोर्स बता दीजिए कि क्या सोर्स है 1.jpg। और यहां पे कॉमा डेस्टिनेशन बोल दीजिए कि क्या डेस्टिनेशन होने वाला है और नाम क्या है। तो नाम में हमने i को लिया और n यहां पे हमने दे दिया .jpg फाइल। सिंपल सा एक लाइन का कोड करना है। ये फाइल जेपीजी है ना? हाँ, जेपीजी है। ओके, जैसे इस फाइल को मैं रन करूंगा, रन करते ही इसकी 1000 कॉपी बन जाएगी। मैंने इसको रन कर दिया, अब देखते हैं यहां पर दिख रहा है सर। समझ में आ गया फाइल कॉपी? ये समझ में आएगा ना सर आपको? जी सर। लेकिन मेन जो फोकस ये है हमारे पास, मेरा जो मेन क्वेश्चन था जो हमारे स्टूडेंट हमारे एक व्यूअर ने मुझसे पूछा है कि उनके पास इस तरह के 25,000 से भी ज्यादा पिक्चर्स हैं, उनको इसकी 250-250 पिक्चर का ग्रुप करना है या 25-25 पिक्चर का ग्रुप करना है। मतलब वो क्या करना चाहते हैं कि एक नई फोल्डर बनाएंगे, फोल्डर का नाम 1 लिखेंगे रखेंगे और इस फोल्डर में 25 फाइल को उठा के मूव कर देंगे। क्लियर है? मूव नहीं, कॉपी कर देंगे। फिर ऐसे ही 26 से दूसरा आएगा, 27 से तीसरा आएगा, इस तरह से। क्लियर है? प्रॉब्लम समझ में आ गया ना सर? जी सर। सबसे पहले तो मुझे पता करना पड़ेगा कि आपकी टोटल फाइल्स है कितने। ओके, तो डिम fn एज ए स्ट्रिंग और यहां पे देना है हमें fn = dir और इसमें हमने /star.jpg, लेकिन नाम भी मुझे पता नहीं है। और यहां पे हम दे देंगे vv9, सारे फाइल लिस्ट यहां पे आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, डू वाइल fn = blank और यहां पे हमें लूप लगा और लूप में fn = dir, तो सारे फाइल लिस्ट मुझे पता चल जाएगा। लेकिन सारे फाइल को 1 by 1 हमें कॉपी करना है इसमें फोल्डर। ओके, क्लियर है सर? यस सर। तो इसमें हमें करना है r = r+1, r = r+1, मतलब r ऐसे ही मैंने दे दिया काउंट, r एज ए लॉन्ग। ओके,
और फिर यहां पे कंडीशन देना है कि इफ आर मोड आर मोड 25 इज इक्वल टू जीरो एंड एफ इक्वल टू एफ प्लस वन एम के डी आई आर और इसमें हमें अपना फाइल का पाथ देना है स्लैश वन वन नहीं स्लैश में हम यहां पे ये दे देंगे एफ और यहां पे समझ गया जैसे कि पहला और यहां पे एंड भी मुझे करना होगा एंड आर इक्वल टू एंड और एफ की वगैरह एप्पल डिक्लेयर नहीं किए डिक्लेयर कर सकते हैं करने की जरूरत नहीं है ओके नहीं करने पे तो बाय डिफॉल्ट ही ले लेता है ना उसको एक्सेप्ट कर दीजिए कोई दिक्कत नहीं अगर दिक्कत है तो यहां पे दे देता हूं वेरिएंट लेता है उसके बाद हमें ये आपका फाइल कॉपी वाला जो मेथड है यहाँ पे इसको रखना है और इसमें हमें कौन सा फाइल उठाना है तो हमें उठाना है एफ एफ नहीं एफ एन फाइल में और हटा देता हूँ कॉपी कहाँ करना है तो PIC में हम यहाँ पे I के जगह पे यहाँ FN ये करते F करते क्योंकि कॉलम का नंबर F फोल्डर का नंबर F है ना नहीं R यहाँ R देना था नहीं यहाँ R यहाँ पे हमने F कर दिया और फिर वापस हमने इसको स्लैश किया और स्लैश करने के बाद ampersand FN सर समझिए मेथड क्या है हालांकि मैं भी इसको फर्स्ट टाइम बना रहा हूं ध्यान रखिएगा सबसे पहले DIR फंक्शन से जितने भी फाइल्स हैं इस लोकेशंस में जेपीजी फाइल्स जो है वो उसको FN के ऊपर लोड कर देगा फिर हमने वाइल के कंडीशन दिया कि तब तक लूप चलता रहा है जब तक FN में कोई ब्लैंक ना मिले जैसे कि हम जानते हैं DIR फंक्शन के बारे में फिर फाइल की नंबरिंग के लिए हमने क्या R इक्वल टू R प्लस वन ताकि पता चले कि FN जो है कौन सा जो डू वाइल है कौन सा फाइल को प्रोसेस कर रहा है वन बाय वन और नंबरिंग आ जाएगा फिर मुझे देखना है कि क्या R जो है नंबर जो है और 25 का डिवाइडर तो नहीं है 25 का डिवाइडर है इसका मतलब है कि हमें फोल्डर चेंज करना होगा कॉपी पेस्ट इसमें करना है लेकिन फर्स्ट टाइम तो 25 का डिवाइडर नहीं होगा ना इसलिए हमने और कंडीशन दे दिया कि वो मतलब कि स्टार्टिंग तो नहीं है है तो एफ के ऊपर एफ प्लस वन करके एक नंबर जनरेट करेगा और उस नंबर का फोल्डर क्रिएट करेगा और फिर उस क्रिएट गई की गई फोल्डर में उस फाइल को कॉपी कर देगा समझ गए तो फोल्डर क्रिएट कब होगा हर 25 फाइल्स पे अब इस बार मैं एक बार रन करके देखता हूं कि आखिर है क्या इसका क्या मतलब किस तरह से वर्क कर रहा है मैंने इसको रन किया रन करने के बाद इसने 41 फोल्डर बना दिए पहले फोल्डर में मैं देख रहा हूं कि इसने एक से लेके 1000 तक नंबर दिया है मतलब कितने 24 है दूसरे में मैं देख रहा हूं इसने में ही 24 इसने किया है तो ये 25 का नहीं हाँ इसमें 25 है तो पहले में 24 कौन था
25, इसमें भी 25 है। अच्छा पहले में 24 ले लिया इसने, इसमें भी 25 है। इकतालीसवा नंबर में एक लिया सर, चालीसवें में डिफाइन। अच्छा जो एक था उसने इकतालीसवें में डाल दिया है। अब देखिए क्या हुआ कि इसने पहले बार तो एक लिया, उसने काम तो कर दिया है बट एक फोल्डर का गड़बड़ किया है। लेकिन वो हाँ हो सकता है कि काउंटिंग में यहाँ पे कंडीशंस में कोई कुछ समस्या हो, इस कारण से अब मुझे इसको और स्टडी करना होगा। क्या लगता है आप लोगों को? जो पहली वाली कंडीशन है फर्स्ट में वो जीरो दिया है, वहां पे काउंटिंग में 24 कंसीडर कर रहा है। यहाँ नहीं 24 नहीं, इसने देखिए पहले बार में क्या हुआ कि हमने बोला कि इफ मोड इक्वल टू 25, मतलब कि रिमाइंडर अगर जीरो है, 25 का मल्टीप्लेक्स है और इक्वल टू 1 है, तो जब 25वां नंबर वीडियो जब आया तो 25वें नंबर वीडियो में क्या हुआ, 25वें नंबर फाइल में क्या हुआ कि इसका मोड जीरो हो गया ना, क्योंकि 25 से 25 कट गया, इसलिए 24 तक ही चला। बात समझ में आया? सर यहाँ पे R इज इक्वल टू 1 क्यों दिया है? R इक्वल टू 1 दिया क्योंकि फर्स्ट टाइम फर्स्ट फोल्डर कैसे क्रिएट करेगा, इफ नंबर 1 तो 25 का मल्टीप्लेक्स नहीं ना होगा पहली वीडियो, क्योंकि तो पहले से कोई बनी हुई फोल्डर नहीं है ना, हमेशा फोल्डर बनाना है मुझे, तो अगर मैं ये ना दूं तो मुझे एक फोल्डर बनाना पड़ेगा। समझ गया ना? यस सर। इसलिए हमें 1 दिया कि अगर पहली बार चल रहा है फिर भी एक वीडियो एक बना, तो मेरे हिसाब से हो गया। लेकिन ये जो प्रॉब्लम है इसकी सोल्यूशन पे आप लोग रिसर्च कीजिए। इसमें आपने सीखा फाइल कॉपी के बारे में, फाइल कॉपी क्या करता है कि एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन में किसी भी तरह से फाइल को कॉपी करता है, जरूरी नहीं कि वो जेपीजी हो या एक्सेल की फाइल। और इसका यूज मैं हमेशा करता हूँ वीडियोज वगैरह को सेपरेट करने के लिए। जैसे मुझे लास्ट में आपका बैच का वीडियो अलग करना होगा, मान लीजिए किसी ने मांग दिया, तो मैं अपने फोल्डर में से उस वीडियो का पाथ कैसे निकालूंगा, तो मैं इसी प्रोसीजर को फॉलो करता हूँ। उसमें कंडीशन डाल देता हूँ कि फोल्डर नेम देख लो, अगर ऐसा हुआ तो निकाल। ठीक है, ओके। तो मेरे हिसाब से प्रॉब्लम का सलूशन हो गया। आप लोग इस पे रिसर्च कीजिए अच्छे तरीके से। सर अगर जैसे शीट में हमारे पास सेल्स में नंबर है 1 से लेके 1000 तक, और हम चाहते हैं कि एक के सामने एक वाला पिक्चर आए, दो के सामने दो वाला पिक्चर आए, वैसा कर सकते हैं? शीट में हाँ शीट में कर तो सकते, लेकिन लंबा सामने सामने लाना दिक्कत हो जाएगा। क्योंकि पिक्चर किसी सेल की वैल्यू नहीं होती है, वो ऑब्जेक्ट होता है, और ऑब्जेक्ट की पोजीशंस के लिए पिक्सल्स देखने पड़ते हैं, वो पिक्सल्स का एक फ्रीक्वेंस निकालना पड़ेगा कि एक सेल से दूसरे सेल के बीच में कितने पिक्सल का गैप है, उतने पिक्सल ऐड करके उसको मूव करना पिक्चर। सर जैसे हम एक साइड पे सेल्स को थोड़ा मर्ज कर ले रहे हैं, जैसे 3 सेल्स मर्ज्ड हैं उस पे 1 लिखा है,
तो जब लूप जैसे रन तो करे, मैं आपको बोल रहा हूँ ना, पिक्चर सेल की वैल्यू नहीं होती है, सेल के अंदर पिक्चर को नहीं ला सकता, सेल के ऊपर डलेगा, सेल और यस सर, बीच में कोई कोई रिलेशन नहीं है, ओके ठीक है? लेकिन फिर भी मैं इसके तरीके पे रिसर्च करूंगा।